हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनिल और मेरे यूट्यूब चैनल वाइस वर्डप्रेस ग्रुप पे आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और अगर मेरे वीडियो आपको इफ़ेक्टिव लगें तो इन्हें शेयर करें और लाइक करें। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे, जो कि इमेज कंप्रेशन से रिलेटेड है, कि आपकी वेबसाइट के लिए इमेज कंप्रेशन क्यों ज़रूरी है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि वर्डप्रेस वेबसाइट जो है वो, जैसा कि मैंने शायद एक पेज लोड स्पीड का वीडियो बनाया था, शायद कहीं देखा हो आपने, नहीं देखा होगा तो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या है। कि जो हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट होती है उसमें हम जब भी हम कंटेंट डालते हैं तो उसमें इमेजेस और टेक्स्ट डालते हैं, मतलब किसी भी वेबसाइट में डालते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वर्डप्रेस में ही, मतलब वर्डप्रेस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो वर्डप्रेस से रिलेटेड है। तो जब भी हम उसमें इमेजेस डालते हैं तो होता क्या है कि हमारी इमेजेस जो हैं आजकल काफ़ी बड़ी होती हैं, जैसे कि हमारे मोबाइल्स हैं, हमारे कैमरास हैं, या कुछ भी है, मतलब जो भी फोटोग्राफी है, तो वो हाई रेजोल्यूशन होती है और उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। जैसे कोई भी इमेज 5-10 MB की हो सकती है, तो नेचुरली है कि अगर वैसी इमेजेस हमारी साइट पर लगेंगी तो हमारी साइट एक तो जल्दी नहीं खुलेगी और उसका पेज लोड स्पीड जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, और मतलब जब वो जल्दी नहीं खुलेगी तो यूज़र उसे जल्दी ही बंद कर देगा। जैसे कि कोई वेबसाइट अगर खुलती ही नहीं है जल्दी, भले ही वो कितनी भी बेस्ट है, कितनी बढ़िया है, तो नेचुरली आप उसे बंद कर देते हैं, ठीक है। और दूसरे उसकी पेज लोड स्पीड जो है, यानी कि मतलब कम हो गई, मतलब बहुत देर से लोड हो रही है, तो यूज़र उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता फिर भले वो कितनी भी बेस्ट हो। तो दूसरे गूगल के एक नियम के अनुसार पेज लोड स्पीड जो है फास्ट होना ज़रूरी है, कुछ ही सेकेंड्स में आपकी वेबसाइट जो है मतलब लोड हो जानी चाहिए, मतलब डिस्प्ले हो जानी चाहिए जो भी यूज़र आपकी वेबसाइट को देखने की कोशिश कर रहा है, अदरवाइज़ वो उसको क्विट कर देगा, कोई और वेबसाइट ढूंढेगा उसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, आपकी वेबसाइट जो है वो क्विट कर गया, यू नो आपका यूज़र गया। तो इसलिए पेज लोड स्पीड के लिए इमेज का कंप्रेशन मस्ट है, और ये गूगल रैंकिंग में भी आपको हेल्प करेगा यदि आप उसके लिए ट्राई कर रहे हो। और अगर आप गूगल रैंकिंग के लिए नहीं भी ट्राई कर रहे हो तब भी इमेज इमेज कंप्रेशन जो है ये अपना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इमेज को कंप्रेस करके आप अपनी वेबसाइट की स्पीड बढ़ा सकते हो, मतलब पेज लोड स्पीड बढ़ा सकते हो, ताकि यूज़र उसको जल्दी और आसानी से एक्सेस कर सके, या लो स्पीड पे भी अगर उसका इंटरनेट चल रहा है, मतलब इंटरनेट की स्पीड कई एरियाज़ हैं हमारे इंडिया में या कहीं भी दुनिया में जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी यू नो वीक है, यू नो स्लो है स्पीड वहाँ पे, तो वहाँ भी वो लोड हो सके और वो भी आपका यूज़र बन, सॉरी आपका विजिटर बन के आपका मतलब ऑडियंस बन जाए, ठीक है। तो नेचुरली कि आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, और आपकी इमेजेस को कंप्रेस करना चाहिए, ठीक है। तो वर्डप्रेस वेबसाइट जो है उसके लिए ये और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो वर्डप्रेस है वो जब भी हम उसे लोड करते हैं तो नेचुरली उसमें काफ़ी, जैसे जावा का यूज़ किया गया है, पीएचपी का यूज़ किया गया है, ज़्यादातर जावा का, तो और भी हम उसमें प्लगइन्स लोड करते हैं, तो प्लगइन से भी कई बार साइट हैवी हो जाती है, मतलब यू नो जल्दी लोड नहीं हो पाती, तो कई ऐसे इश्यूज़ आते हैं। तो उसके बीच में इमेज कंप्रेशन एक मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इमेजेस की वजह से भी आपकी साइट की स्पीड गिरेगी, तो वैसे ही नेचुरली है कि साइट थोड़ी हैवी हो जाती है मेरी नज़र में, तो नेचुरली है कि अगर आप इमेज कंप्रेशन करते हैं तो आपकी साइट की स्पीड बढ़ेगी और आपका ब्लॉग ज़्यादा बेटर विजुअलाइज होगा, ज़्यादा अच्छा चलेगा, जल्दी से खुलेगा तो यूज़र उसमें उसे देखेगा और ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा शायद। तो इमेजेस को कंप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट बना रहे हो, और वैसे भी आज की दुनिया में जैसे कि मैंने बताया कि फोटोग्राफी, यू नो जो भी फोटोज़ आप लेते हो मोबाइल से या सेल्फीज़ लेते हो या कुछ भी लेते हो, तो ज़्यादातर बड़े साइज़ में होती है, तो इसलिए इमेज को कंप्रेस करके ही आपको अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में डालना चाहिए, जिससे कि आपकी पेज स्पीड पर असर ना पड़े और आपका जो पेज है वो जल्दी खुल जाए। अब इमेज तो खैर आपने डालनी ही है, तो क्योंकि इमेजेस जो हैं आपको मतलब बोलते हैं कि इमेजेस बोलती हैं, यू नो इमेजेस आपको काफ़ी कुछ समझा देती हैं, तो इमेजेस तो बहुत मस्त हैं, लेकिन उनको कंप्रेस करके डालिए।
तो कंप्रेशन में एक और प्रॉब्लम होता है कि जब हम इमेज का कंप्रेशन कंप्रेस करते हैं उसको, तो कई बार उसका जो मतलब जो लुक है, यू नो, जो उसकी क्लैरिटी है वो डाउन हो जाती है, कई बार मैंने ऐसा भी देखा है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे एक टूल के बारे में बताऊंगा जो कि फ्री है, टोटली फ्री है, और उसमें आप इमेज को अपने हिसाब से कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब किस लेवल तक आप उसको कंप्रेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं आप। और जहाँ तक मैंने उसको यूज़ किया है तो इतना ज़्यादा उसकी इमेज क्वालिटी पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, और कंप्रेशन भी हो जाता है। और कंप्रेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आप 20% कंप्रेस कर सकते हो, 30% कर सकते हो, 50% कर सकते हो, तो काफ़ी हद तक आप उसको कर सकते हो। और इसके अलावा यदि आपकी इमेजेस, जैसे सपोज आपने फ़ोटोज़ हैं, आप कई बार कई जगह मतलब जो है डालते हैं, मतलब जैसे नेट पे, या मान लो कहीं आपको कहीं एडमिशन ले रहे हो वहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है, तो कई बार वहाँ पे कंडीशंस होती हैं कि आप 10 KB या 100 KB से ऊपर की इमेज अपलोड नहीं कर सकते, तो भी आपको इमेज कंप्रेशन का सहारा लेना पड़ सकता है, तो वहाँ भी ये चीज़ आपके लिए बेस्ट हो सकती है। बाकी इसके अलावा एक और चीज़ है, अगर आप इमेजेस को कंप्रेस करते हैं तो एक तो आपकी वेबसाइट जो वर्डप्रेस वेबसाइट है या वर्डप्रेस ब्लॉग है उसकी स्पीड बढ़ती है, जल्दी लोड होता है, तो पेज स्पीड इंक्रीज हुई, यानी कि बेटर हुई, इम्प्रूव हुई। साथ में ऐसा है कि इसके अलावा आपको एक और बेनिफिट मिलता है कि आपकी साइट की जो बैंडविड्थ है, सपोज आपने होस्टिंग ले रखी है और सपोज आपको 1 GB स्पेस है आपके पास और 10 GB बैंडविड्थ है, तो नेचुरली है जब आपकी इमेज सपोज 10 10 MB की इमेजेस, 10 इमेजेस लगी हैं आपकी साइट में, तो जैसे ही यूज़र उसको लोड करेगा तो 100 MB बैंडविड्थ आपकी यूज़ हो जाएगी। और यदि आप उन इमेजेस को कंप्रेस करते हैं, सपोज वो कंप्रेशन के बाद 2 MB की हो जाती है इमेज और 10 इमेजेस दो 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 MB की हैं, तो 20 MB जो उसका साइज़ बनता है, जब यूज़र उसको देखेगा या लोड करेगा तो वो क्या होगा कि मतलब 20 MB यूज़ होगा उसका, या मान लो जब जैसे आपकी बैंडविड्थ है होस्टिंग में, जैसे कि मैंने आपको बताया स्पेस और बैंडविड्थ, 1 GB स्पेस मिला है और 10 GB बैंडविड्थ, तो इस तरह से जैसे मतलब एक एक यूज़र जब 100 100 MB मतलब जो बैंडविड्थ यूज़ करेगा अगर आपकी, तो आपकी बैंडविड्थ जल्दी ही ओवर हो जाएगी, तो ये आपकी बैंडविड्थ को भी बचाएगा, मतलब ज़्यादा यूज़र आपकी साइट को देख पाएंगे, कम बैंडविड्थ यूज़ होगी आपकी, तो ये फैक्टर भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आपकी होस्टिंग छोटी है, यू नो, जैसे 1 GB स्पेस और 10 GB बैंडविड्थ है आपके पास। कईयों के पास तो ऐसा होता ना कि अनलिमिटेड स्पेस है और अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, तो चलो कोई इशू नहीं है, पर फिर भी मतलब अगर आपका छोटी होस्टिंग है तो आपके लिए वैसे भी हेल्पफुल है, आपकी बैंडविड्थ को बचाएगा, पेज स्पीड को बढ़ाएगा, गूगल में भी आपको विजिबिलिटी दिलाएगा ये फैक्टर। तो इमेज कंप्रेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इमेजेस तो हम अक्सर यूज़ करते हैं बैनर में, लोगो में, या पोस्ट्स में, या पेजों में, या होम पेज पे, तो मतलब यह कि इमेज अगर कंप्रेस करके डाली जाएगी तो आपकी पेज स्पीड पे उतना असर नहीं पड़ेगा। और जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा था कि अभी मैं आपको एक टूल बताऊंगा जो कि फ्री है, एक ऑनलाइन टूल है और फ्री टूल है 100%, तो इस टूल के जरिए आप कितना भी मतलब जैसे अपनी इमेजेस को कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है? तो इसका नाम है, ये एक वेबसाइट है, कॉम्प्रेस नाउ डॉट कॉम, इस वेबसाइट पे जाके, ठीक है, आप किसी भी इमेज को यहाँ पर अपलोड करेंगे और वो उसको कंप्रेस करके यहाँ दे देगा और यहाँ पे डाउनलोड आएगा। सबसे पहले इसमें देखिए कंप्रेशन लेवल, कंप्रेशन लेवल मींस कि आप कितना कंप्रेस करना चाहते हैं, 1 MB की इमेज है उसको 20% कंप्रेस करना चाहते हैं, 30% करना चाहते हैं, या 70%। आइए जैसे देखते हैं, कोई इमेज ढूंढते हैं पे। सपोज यहाँ पर कोई इमेज, सपोज ये 121 KB की इमेज है, इसको लेते हैं, ठीक है, इसका टोटल साइज है 121 KB, ओके। अब कंप्रेशन लेवल है 14%, अगर मान लीजिए मैं इसको सॉरी यहाँ पे रखा है, तो ये बता रहा है कि ये 55 KB की हो जाएगी, ये आपको बता देगा कि कितना कंप्रेशन लगाने पे कितना साइज हो जाएगा। जैसे सपोज मैं इसको 30% कंप्रेस कर देता हूँ,
ठीक है, तो ये बता रहा है कि इसका साइज 36 KB हो जाएगा, 36.34 KB हो जाएगा, जबकि इसका साइज 124.20 KB है। तो मैंने इमेज को अपलोड किया, कंप्रेशन का लेवल सेट किया कि कितना परसेंट मैं इसको कंप्रेस करना चाहता हूँ, या आप अपने हिसाब से कितना भी कर सकते हो। आप इसको 100 तो नहीं, तो बहुत ज़्यादा, 80% भी कंप्रेस कर सकते हो, तो इसका ये हो जाएगा, मतलब काफ़ी छोटी हो जाएगी। तो हम इसको चलो 50% कर लेते हैं, ठीक है, तो ये 26.31 KB की हो जाएगी। तो हमने इमेज को अपलोड किया, कंप्रेशन का लेवल सेट किया, जो भी आपको लगता है कि कितना कंप्रेस करना चाहते हो, ये आपको यहाँ पे बता देगा कि इस लेवल पे इतनी कंप्रेस हो जाएगी। इसके बाद हमने कंप्रेस नाउ बटन पर क्लिक किया और इसने कंप्रेस कर दिया। अब हमने इसको डाउनलोड कर लिया, ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। अब हम इसको देख लेते हैं। अभी आ चुका है, जैसे कि ये 101 KB थी, अब ये 25.6 KB हो गया, और इसके रेजोल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ा है, 500 बाय 606 था ये, तो ये भी इतना ही रेजोल्यूशन है इसका, सिर्फ साइज में फर्क पड़ा है। अब इसके अलावा हम इसकी इमेज क्वालिटी को अगर देखें यहाँ पर खोल के, तो जैसे ये इमेज क्वालिटी है, तो इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है कि बहुत ज़्यादा अंतर नज़र आ रहा है, मे बी अगर लाइट सा कहीं हो, ऐसे है नहीं ज़्यादा। आप देख सकते हैं ये एक्चुअल इमेज है और ये कंप्रेस्ड इमेज है। तो ये जो एक टूल है कंप्रेस नाउ, ऑनलाइन टूल है, फ्री टूल है, इसके जरिए आप किसी भी इमेज को काफ़ी हद तक कंप्रेस कर सकते हैं। बाकी कंप्रेशन लेवल आप खुद सेट कर सकते हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, 20% भी कर सकते हो कितना भी, और इससे काफ़ी जो है आपकी इमेज का साइज रिड्यूस हो जाता है। और फिर अगर आप उसको वर्डप्रेस वेबसाइट में या ब्लॉग में, जो भी आपका है, उसमें डालते हैं, तो आपकी साइट की स्पीड पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। और जैसे कि मैंने कहा कि इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ब्लॉग, किसी भी वेबसाइट के लिए, भले वो कितनी बड़ी हो या छोटी हो। तो पर यह है कि इमेजेस को अगर आप कंप्रेस या ऑप्टिमाइज करके डालेंगे, तो ये आपकी बैंडविड्थ को बचाएगा, आपकी पेज स्पीड को इंक्रीज करेगा, और गूगल में आपकी पेज स्पीड की वजह से, अगर अच्छी पेज स्पीड है, तो आपकी विजिबिलिटी पे कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं डालेगा, नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालेगा। तो इसलिए इमेज कंप्रेशन एक वर्डप्रेस वेबसाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको पिछले कुछ मिनटों में एक्सप्लेन किया है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और इससे आपके ब्लॉग में, जैसे अगर मतलब इस तरह की कोई कमी है, तो आप उसको इम्प्रूव कर पाएंगे और आपका ब्लॉग बेटर चलेगा। और मैं विश करता हूँ कि मतलब आपका ब्लॉग सक्सेस हो, और जैसे कि वर्डप्रेस के ऊपर हमने ये चैनल चलाया है, तो हम चाहते हैं कि वर्डप्रेस पे जो भी काम करने वाले हैं, उनको मतलब कुछ नया जानने को मिले, और उनकी साइटें बेहतर हों, इसीलिए मैंने ये चैनल शुरू किया है। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात की, इमेज कंप्रेशन पे और उसके फ़ायदों के बारे में, तो कैसे आप उसे कर सकते हैं अभी मैंने आपको बताया। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको आपके लिए हेल्पफुल रहता है, आपको अच्छा लगा, तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और फ्यूचर में जो हमारे लेटेस्ट वीडियो आएंगे, उनको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।